तो ये देखिए जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग के साथ। और हमारे घर की लाइटें जो है अभी भी जली हुई है। ये देखिए पहाड़ियाँ जो है थोड़ी थोड़ी कैसे चमकने लगी हैं। सुबह होने वाली है, सुबह के बज चुके हैं 6 और पक्षियों का जो है जाना तो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। देखिए कितना प्यारा लगता है। और ये रहा हमारा पुराना घर। तो उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ मॉर्निंग का शेयर करती हूँ व्यू थोड़ा सा। ये देखिए काली काली दिख रही है अभी पहाड़ियाँ, थोड़ी देर में रोशनी आ जाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा सारा कुछ। और ये देखिए मैंने चूल्हा चौका कर लिया और किचन में झाड़ू लगा दिया, अभी आग जलाती हूँ। तो सुबह सुबह की राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो ये ज़िंदगी एक बहुत ही गहरा सागर है, बहुत ही विशाल, और इसमें ढेर सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन नैया उसी की पार होती है जो कि कड़ी मेहनत करता है, रोज़ मेहनत करता है। तो हमें मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये अलग बात है कि पता नहीं मेरी नैया कब पार होगी। तो मैं मीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और देखिए सुबह के टाइम में आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, और आजकल क्या होता है ना, सर्दियों में काफ़ी टाइम लग जाता है आग जलाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी ठंड सी होगी ना, ओस पड़ी हुई होती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो अंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुबह के टाइम आग जलते थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने चूल्हा चौका कर लिया, झाड़ू लगाया, उसके बाद यहाँ पर देखिए आग अभी जला रही हूँ। तो सुबह सुबह से जल्दी उठने का आज ये कारण था, क्योंकि हमने सोचा है कि थोड़ा बहुत कुछ काम को स्पीड में दौड़ाते हैं, क्योंकि बहुत ही स्लो स्लो चल रहे हैं। वैसे तो स्लो स्लो काम होता है ना जो, वो अच्छा होता है, क्योंकि शांति से किया हुआ काम ना हमेशा ठीक होता है, अच्छा होता है। और जो जल्दबाजी में किया हुआ काम होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ रह जाती है कसर। और यहाँ पे आग जला रही हूँ, मुझे सुबह सुबह जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि आज हमने सोचा है कि थोड़ा बहुत ना घास काटने का काम जो है वो भी शुरू करते हैं। तो आज से हमने सोचा है कि थोड़ा बहुत काटना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना कटता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है घर से बाहर निकलना। और एक इंसान के लिए तो घर में ही बहुत होता है काम करने को, घर का, पशुओं का, और एक का फिर घास वगैरह का। और यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स दाल ली है, जो रोंगी होती है ना और चने की दाल, वो मिक्स ली है, क्योंकि मेरी नैना जो है उसको पीली दाल बहुत पसंद है, तो ये इस तरह से मिक्स करके बनाऊंगी। तो दाल मैंने पकने को डाल दी थी, उसके बाद देखा कि तड़का लगाने के लिए तेल जो है वो ख़त्म हो गया था बॉटल में। तो यहाँ पे देखिए पैकेट को अभी मैं थोड़ा सा जलाऊंगी, जो लकड़ी होती है ना जली हुई, उसी से ही मैं इसको थोड़ा सा जलाऊंगी और बॉटल जो है उसको भर लूँगी। तो मुझे बॉटल में ही ज़्यादा ठीक लगता है, मतलब डिब्बे में मैं बहुत कम भरती हूँ, बॉटल में भरती हूँ, क्योंकि बॉटल का ऐसा होता है ना कि कई बार अगर खुला भी रह जाता है ना इसका ढक्कन, तो इतना ज़्यादा नहीं गिरता, डब्बा अगर गिर जाता है ना तो एक ही बारी में सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ भी मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इसमें ऑयल डालने की अब, लेकिन अभी आज क्या हुआ ना, यहाँ पे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में ये जो सुराख है ना थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर छोटा करना था लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब इधर उधर से थोड़ा सा 1-2 चम्मच जो है वो गिर गया। तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी, सिर में लगा लूँगी, है ना। तो सुबह सुबह का काम ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी से हो जाए तो ठीक रहता है। तो मैंने दाल बनानी है, चावल बनाने हैं और कुछ रोटी बनाऊंगी। Thank you.
लो। लेना जाओ उठा ले, रहने दे टिफिन की बात कोई बात नहीं। दूसरा भी नहीं। एक में दर्द आ जाती बेटे फिर ना। हाँ फोन नहीं लेना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और धूप में ना आँखें ही नहीं खुलती है तो मैं बार बार छाँव में जा रही हूँ, लेकिन अभी देखिए पेड़ में ना सारे पत्ते जो है वो झड़ने लग गए हैं, झड़ ही चुके हैं लगभग। ये देखिए पतझड़ का मौसम जो है वो आ चुका है, सर्दियाँ हो चुकी है, हमारे यहाँ पर काफ़ी ठंड हो चुकी है। और यहाँ पर देखो दोनों भाई, इनका कुछ ना कुछ चला हुआ रहता है। आज धैर्य स्कूल को गया ही नहीं, आज इसने भन्ना ही मार दिया, पेट में दर्द हो रही है, तो पता नहीं हो रही कि नहीं हो रही, ये तो यही जाने। और ये देखिए हमारे आंवले काफ़ी झड़ चुके हैं नीचे को, शाम को जैसे बच्चे आते हैं ना यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वो सारे इस तरह से तोड़ तोड़ के और सारे उन्होंने यहाँ पे गिरा दिए हैं। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे हिस्सा, हम ढेर सारा अचार डालेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ काउशेड में, मुझे गाय को पानी पिलाना है, तो चलिए चलते हैं काउशेड में, गाय को पानी पिलाती हूँ। और सुबह के टाइम सुबह का जो काम होता है ना वो बस जल्दी जल्दी में निपटाया, आज मैं काफ़ी जल्दी हो गई थी फ्री, क्योंकि हमने सोचा था कि घास काटना जो है वो भी शुरू करना है थोड़ा थोड़ा, और खेत का काम जो है ना वो भी अभी बहुत रहा हुआ है, क्योंकि गेहूं के लिए अभी खेत खाली करने को रहे हुए हैं, और वो भी खाली करने हैं, गेहूँ की बिजाई भी करनी है। अभी लहसुन में को हमारे गोबर जो है ना वो ढोया जा रहा है, तो आपको ब्लॉग में दिखाया मैंने। और अभी पता क्या है, गोबर हम ढो तो रहे हैं ना अभी, लेकिन हमारे एक खेत के लिए भी पूरा नहीं हुआ भाई, तो अभी दूसरे वाले खेत में, जहाँ हमने दूसरे वाले खेत में लगाए थे ना नीचे लहसुन, वहाँ पे भी हमें ढोना है, तो अभी 3-4 दिन तो उसी में लगने वाले हैं। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा घास भी काट लेते, लेकिन गेहूँ बिजाई करने के लिए भी लेट हो रही है, और काफ़ी टाइम से बारिश भी नहीं हो रही है। अभी ना 15-16 दिन ऐसे हो गए हैं कि बारिश नहीं हो रही, तो जिस वजह से मिट्टी भी है ना सूखी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से गेहूं उगने में ना मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं जैसा जैसा भी काम करेंगे। और आज से हमने घास काटने को भी लगाए हुए हैं दिहाड़ी पे, तो मम्मी जो है वहाँ पे उनको देखने गए हैं, मैं अभी यहीं पे ही हूँ क्योंकि मैं सार्थक को नहला रही थी। अभी इसको मुझे आंगनवाड़ी छोड़ना है, अभी 10:45 जो है वो हो चुके हैं, और मेरा सारा काम जो होता है ना किचन का सारा निपटा लिया, सार्थक को नहला भी दिया है, सिर्फ मुझे गाय को पानी पिलाने के लिए अभी जाना है। तो चलिए गाय को पानी पिलाते हैं, और व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरी मम्मी अभी यहाँ से उठा रही है पानी नहीं मतलब बच्ची को ले जा रही है, और बच्ची फिलहाल नखरे दिखा रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने ट्राईपॉड मंगवाया हुआ है मीशो से, और ये ना आ चुका है, मतलब ट्राईपॉड तो नहीं है, सेल्फी स्टिक है ये ऐसे तो, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी वो छोटी छोटी टांगे भी है नीचे इसकी, तो ये मिनी ट्राईपॉड भी आप बोल सकते हैं इसको। और मैंने सोचा कि बड़े बड़े ट्राईपॉड तो बहुत ले लिए, इस बार ही छोटा लूँगी अभी, और देखती हूँ कैसा आएगा। तो वैसे तो ठीक ही लग रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग, बट ये ना बिल्कुल हल्का सा ही लग रहा है मुझे, मतलब जितने मेरे बच्चे हैं ना तो इनके लिए थोड़ी रफ़ एंड टफ़ चीज़ चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं लूँगी ना उस चीज़ को बस छोड़ते ही नहीं है, हाथ तो इन्होंने लगाना ही है। और बस पूरा ब्लॉगर यहाँ पे धैर्य बन जाता है, देखो अनबॉक्सिंग भी इसी ने कर दी थी इसकी, देखो सारा कुछ खोल के और उसके बाद मेरे पास लेकर आया, तो जैसे ही ये पार्सल आया ना वैसे ही इसने ही पहले देखा इसको। और यहाँ पे देखिए इसने इसमें फ़ोन लगा लिया था और बोलता मम्मा अब इससे ब्लॉगिंग करो, इस तरह से होता है, मतलब पूरा सब कुछ मेरे को यही बता रहा था कि ऐसा होता है, इसमें इसका ब्लूटूथ भी है, अब आप इससे ये भी कर सकते हो। तो आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं ना, मतलब हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती थी, हम बहुत डरते थे चीज़ों को छूने से कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, आजकल के बच्चे। अभी यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, मैं गाय जो है इनको अंदर बांध रही हूँ, और बच्चे जो है ना यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे इनके साथ खेलने लगे हुए हैं। तो आजकल पता क्या है बहुत ज़्यादा काम है तो टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है वीडियो को ज़्यादातर कैप्चर करने का, और सेम सेम काम रिपीट होता है ना, क्योंकि अभी खेतों का काफ़ी ज़ोरों से चलने वाला है, नई फसल लगनी है, घास पूरा काटने का। और ये देखो ब्लॉगर बन गया यहाँ पे धैर्य, अब हम दिखाएंगे आपको हमारी मम्मी जी क्या कर रही हैं।
ये देखिए, ये वही लाल गाय है जो हर बार बार इनको उड़ा देती है। इसकी पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी है मेरे से। और पर मेरी मम्मी यही गाय को बांध रही है। मम्मा चेहरा तो दिखा दो, मम्मा तो चेहरा तो दिखा दो इधर। हाँ जी, तो ये बाहर निकल चुकी हैं और कोई मुझे यहाँ बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा है मारने के लिए मुझे। तो यहाँ पे धैर्य बस यही बोल रहा है कि एक गाय जो है ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है मुझे मारने के लिए। और यहाँ पे बस इसको इसका शौक चढ़ा हुआ था बेसिकली, जो ये आया हुआ है ना नया सेल्फी स्टिक इसका चढ़ा हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे बस ब्लॉगर बन गया। तो यहाँ पे देखते ही देखते जो मैंने क्लिप ली थी पूरे दिन की वो हो चुकी है ख़त्म। और समय का भी ऐसा होता है ना कि समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता, और समय ना हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता। आज कुछ है तो कल को कुछ होगा, बदलाव जो है वो निश्चित है और ये सृष्टि का नियम है। आज जो कुछ है वो कल को नहीं होगा या कुछ और होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो समय का खेल है, आज अच्छा है कल को बुरा भी हो सकता है, या आज बुरा है तो कल को अच्छा भी हो सकता है। तो अपने आप को इस तरह से रखें ना कि जो भी हो हमें उसका ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। मतलब इतना ज़्यादा इंसान का मनोबल होना चाहिए, बलवान या कुछ भी जो भी क्या बोले मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा, कि कैसा भी समय हो हर समय में वो सर्वाइव कर सके। इतना ज़्यादा नाजुक भी ना हो या इतना ज़्यादा कठोर भी ना हो कि हमें किसी का दुख दर्द ना दिखे या फिर हम बिल्कुल ही हो जाएं अपने दुख दर्द में बह जाएं। तो चलिए ब्लॉग का एंड यहीं पे, बाय।